अध्याय सात। उन बातों के विषय जो तुमने लिखी, ये अच्छा है कि पुरुष स्त्री को ना छुए, परंतु व्यभिचार के डर से हर एक पुरुष की पत्नी और हर एक स्त्री का पति हो। पति अपनी पत्नी का हक पूरा करे और वैसे ही पत्नी भी अपने पति का। पत्नी को अपनी देह पर अधिकार नहीं, पर उसके पति का अधिकार है। वैसे ही पति को भी अपनी देह पर अधिकार नहीं, परंतु पत्नी को। तुम एक दूसरे से अलग ना रहो, परंतु केवल कुछ समय तक आपस की सम्मति से, कि प्रार्थना के लिए अवकाश मिले, और फिर एक साथ रहो। ऐसा ना हो कि तुम्हारे असंयम के कारण शैतान तुम्हें परखे। परंतु मैं जो ये कहता हूं कि वो अनुमति है ना कि आज्ञा। मैं ये चाहता हूं कि जैसा मैं हूं वैसा ही सब मनुष्य हो, परंतु हरेक को परमेश्वर की ओर से विशेष वरदान मिले हैं, किसी को किसी प्रकार का और किसी को किसी और प्रकार का। परंतु मैं अविवाहितों और विधवाओं के विषय में कहता हूं कि उनके लिए ऐसा ही रहना अच्छा है जैसा मैं हूं। परंतु यदि वे संयम ना कर सके तो विवाह करें, क्योंकि विवाह करना कामातुर रहने से भला है। जिनका ब्याह हो गया है उनको मैं नहीं, वरन प्रभु आज्ञा देता है कि पत्नी अपने पति से अलग ना हो, और यदि अलग भी हो जाए तो बिन दूसरा ब्याह किए रहे या अपने पति से फिर मेल कर ले, और ना पति अपनी पत्नी को छोड़े। दूसरों से प्रभु नहीं, परंतु मैं ही कहता हूं। यदि किसी भाई की पत्नी विश्वास ना रखती हो और उसके साथ रहने से प्रसन्न हो तो वो उसे ना छोड़े। जिस स्त्री का पति विश्वास ना रखता हो और उसके साथ रहने से प्रसन्न हो वो पति को ना छोड़े, क्योंकि ऐसा पति जो विश्वास ना रखता हो वो पत्नी के कारण पवित्र ठहरता है, और ऐसी पत्नी जो विश्वास नहीं रखती पति के कारण पवित्र ठहरती है। नहीं तो तुम्हारे लड़के वाले अशुद्ध होते, परंतु अब तो पवित्र है। परंतु जो पुरुष विश्वास नहीं रखता, यदि वो अलग हो तो अलग होने दो। ऐसी दशा में कोई भाई या बहन बंधन में नहीं, परंतु परमेश्वर ने तो हमें मेल मिला के लिए बुलाया है। क्योंकि हे स्त्री, तू क्या जानती है कि तू अपने पति का उद्धार करा ले, और हे पुरुष, तू क्या जानता है कि तू अपनी पत्नी का उद्धार करा ले। पर जैसा प्रभु ने हरेक को बांटा है और जैसा परमेश्वर ने हरेक को बुलाया है वैसा ही वो चले। और मैं सब क्लीसियाओं में ऐसा ही ठहराता हूं, जो खतना किया हुआ बुलाया गया हो वो खतना रहित ना बने, जो खतना रहित बुलाया गया हो वो खतना ना कराए। ना खतना कुछ है और ना खतना रहित, परंतु परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना ही सब कुछ है। हर एक जन जिस दशा में बुलाया गया हो उसी में रहे। यदि तू दास की दशा में बुलाया गया हो तो चिंता ना कर, परंतु यदि तू स्वतंत्र हो सके तो ऐसा ही काम कर, क्योंकि जो दास की दशा में प्रभु में बुलाया गया है वो प्रभु का स्वतंत्र किया हुआ है, और वैसे ही जो स्वतंत्रता की दशा में बुलाया गया है वो मसीह का दास है। तुम दाम देकर मोल लिए गए हो, मनुष्यों के दास ना बनो। हे भाइयों, जो कोई जिस दशा में बुलाया गया हो वो उसी में परमेश्वर के साथ रहे। कुवारियों के विषय में प्रभु की कोई आज्ञा मुझे नहीं मिली, परंतु विश्वास योग्य होने के लिए जैसी दया प्रभु ने मुझ पर की है उसी के अनुसार सम्मति देता हूं। मेरी समझ में ये अच्छा है कि आजकल कलेश के कारण मनुष्य जैसा है वैसा ही रहे। यदि तेरी पत्नी है तो उससे अलग होने का यत्न ना कर, और यदि तेरी पत्नी नहीं तो पत्नी की खोज ना कर। परंतु यदि तू ब्याह भी करे तो पाप नहीं, और यदि कुंवारी ब्याही जाए तो कोई पाप नहीं, परंतु ऐसों को शारीरिक दुख होगा, और मैं बचाना चाहता हूं। हे भाइयों, मैं ये कहता हूं कि समय कम किया गया है, इसलिए चाहिए कि जिनके पत्नी हो वे ऐसे हो मानो उनके पत्नी नहीं, और रोने वाले ऐसे हो मानो रोते नहीं, और आनंद करने वाले ऐसे हों मानो आनंद नहीं करते, और मोल लेने वाले ऐसे हों कि मानो उनके पास कुछ है नहीं, और इस संसार के बरतने वाले ऐसे हों
के संसार ही के ना हो ले, क्योंकि इस संसार की रीति और व्यवहार बदलते जाते हैं। सो मैं ये चाहता हूँ कि तुम्हें चिंता ना हो। अविवाहित पुरुष प्रभु की बातों की चिंता में रहता है कि प्रभु को क्यों कर प्रसन्न रखे, परंतु विवाहित मनुष्य संसार की बातों की चिंता में रहता है कि अपनी पत्नी को किस रीति से प्रसन्न रखे। विवाहिता और अविवाहिता में भी भेद है। अविवाहिता प्रभु की चिंता में रहती है कि वो देह और आत्मा दोनों में पवित्र हो, परंतु विवाहिता संसार की चिंता में रहती है कि अपने पति को प्रसन्न रखे। ये बात तुम्हारे ही लाभ के लिए कहता हूँ, ना कि तुम्हें फंसाने के लिए, वरन इसलिए कि जैसा सोता है वैसा ही किया जाए, कि तुम एक चित्त होकर प्रभु की सेवा में लगे रहो। और यदि कोई ये समझे कि मैं अपनी उस कुंवारी का हक मार रहा हूँ जिसकी जवानी ढल चुकी है और प्रयोजन भी हुए, तो जैसा चाहे वैसा करे, इसमें पाप नहीं। वो उसका ब्याह होने दे, परंतु जो मन में दृढ़ रहता है और उसको प्रयोजन ना हो वरन अपनी इच्छा पूरी करने में अधिकार रखता हो और अपने मन में यह बात ठान ली हो कि मैं अपनी कुमारी लड़की को बिन ब्याह ही रखूंगा, वो अच्छा करता है। सो जो अपनी कुमारी का ब्याह कर देता है वो अच्छा करता है, और जो ब्याह नहीं कर देता वो और भी अच्छा करता है। जब तक किसी स्त्री का पति जीवित रहता है तब तक वो उससे बंधी हुई है, परंतु जब उसका पति मर जाए तो जिससे चाहे विवाह कर सकती है, परंतु केवल प्रभु में। परंतु जैसी है यदि वैसी ही रहे तो मेरे विचार में और भी धन्य है, और मैं समझता हूं कि परमेश्वर का आत्मा मुझ में भी है।